Hi, welcome to our sister's channel. Today we are going to see the topic तो आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर टू फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स एक्सरसाइज 2.5। हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है विच इज़ ग्रेटर, तो 0.5 और 0.05। अब इसमें क्या है, ये लोग ये दोनों अनलाइक डेसिमल्स हैं। पहले से हम लोग क्या करेंगे, लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 0.5 क्या बन जाएगा, 0.50। इनमें से बड़ा कौन सा है अब, 0.5। ठीक है, ऐसे ही हमें सारे क्वेश्चंस करने होंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि है एक्सप्रेस एज रुपीस यूजिंग डेसिमल्स। इसमें हमें क्या करना है, रुपीस में एक्सप्रेस करना है। तो पहला पार्ट क्या है, रुपीज़ 7 एंड 7 पैसे। तो पहले हम लोग रुपीज़ को अलग करेंगे और पहले हम लोग बस 7 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 पैसे इक्वल्स टू 1/100 रुपीज़। तो 1/100 इक्वल्स टू 0.05 01 रुपीज़। ठीक है, तो 7 पैसे इक्वल्स टू 7/100 रुपीज़ इक्वल्स टू 0.07 रुपीस है। 7 पैसे इक्वल्स टू 0.07 रुपीस। इसके साथ और हमें क्या ऐड करना है, रुपीस 7 भी ऐड करना है। तो 0.07 + 7 = 7.07 = आंसर। ठीक है, ऐसे हमें सारे पास करने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। तो 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.05 मीटर आएगा, और किलोमीटर में करेंगे तो 0.00005 किलोमीटर आएगा। अब मीटर में 0.05 क्यों आ रहा है, क्योंकि 1 मीटर इक्वल्स टू 1/100, तो 5 मीटर इक्वल्स टू 5/100। 5/100 में अगर उसे हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.05। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट है 35 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर में 3.5 आएगा, है ना, 35/10 इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1/1000 मीटर इक्वल्स टू 0.001 मीटर, है ना। तो 35/1000 मीटर इक्वल्स टू 0.035 मीटर। किलोमीटर में 0.00003 5। ठीक है, तो अब हमें ऐसे ही सारे क्वेश्चंस करने होंगे। मतलब कि क्वेश्चन नंबर, अब हमें सेंटीमीटर से मीटर और किलोमीटर में कन्वर्ट कर लिया, और मिलीमीटर से सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक्सप्रेस इन किलोग्राम 200 ग्राम। तो जैसे हम लोग लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही करना है। तो 200 ग्राम को अगर हम लोग केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2200 केजी। ठीक है, ऐसे हमें सारे पास करने हैं। राइट द फॉलोइंग इन एक्सपैंडेड फॉर्म 20.03। मतलब अब इसे हमें एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है। तो 20 × 10, क्योंकि 20 क्या पाता है, 2 × 10 आएगा तभी 20 आएगा। तो 2 × 10 प्लस 0। ठीक है, 20 के साथ 0, 2 × 10 प्लस 0 × 1 प्लस 0। हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, इसलिए जितना बड़ा कर सके हमें वैसा बड़ा करना है। ठीक है, 2 × 10 20 आ गया, 20 के साथ 0 करेंगे तो तब भी 20 रहेगा, 20 × 1 करेंगे तो तब भी 20 रहेगा, फिर 20 के साथ वापस 0 करेंगे तो 20 रहेगा, उसके बाद 1/10। ठीक है, 1/10 प्लस 3, 1/10 प्लस 3 क्या होगा, 3/10। ठीक है, तो 1/10 प्लस 3 × 1/100। ठीक है, तो हमें एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करना होगा। तो जितना एक्सपेंड कर सके उतना हम लोग एक्सपेंड करने की उसे कोशिश करेंगे। तो हम लोग एक फोर्थ पार्ट का भी एग्जांपल देख लेते हैं। 2 × 1
प्लस ज़ीरो इंटू वन बाई टेन प्लस थ्री इंटू वन बाई हंड्रेड प्लस फोर इंटू वन बाई थाउजेंड। ठीक है, इसमें जितना एक्सपेंड कर सकते हैं उतना एक्सपेंड करना है। टू को हम लोग टू इंटू वन करेंगे तब भी पर वही वैल्यू लेना चाहिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ टू इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। तो 2.556, तो इसमें टू की प्लेस वैल्यू क्या है? वंस। ठीक है, तो ऐसे ही हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स में। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस सी। ए इज 7.5 किलोमीटर फ्रॉम बी एंड बी इज 12.7 किलोमीटर फ्रॉम सी। आई यू वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू डी एंड फ्रॉम देयर टू ए टू सी। डी इज 9.3 किलोमीटर फ्रॉम ए from A and C is 7.8 किलोमीटर from D who traveled more by how much। ठीक है, तो एक्चुअली इसमें क्या बोल रहे हैं, दिनेश ने A to B क्या है 7.5 किलोमीटर, 7.5 किलोमीटर है ना, और B to C क्या है 12.7, डी टू सी 11.8, ए टू डी 9.3। ठीक है, तो इसमें दिनेश ने कितना कवर किया है, अयूब ने कितने कवर किया है, इसे फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे जितना किलोमीटर उसने करा ट्रैवल किया है उन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो दिनेश ने 7.5 किलोमीटर और 12.7 किलोमीटर ट्रैवल किया है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 20.2 किलोमीटर आया है। ठीक है, अयूब ने 21.1 किलोमीटर ट्रैवल किया है। अब 21.1 इनमें से कौन सा बड़ा है, ये लोग पहले से ये दोनों लाइक डेसिमल्स हैं तो हम लोग ऐसे ही कंपेयर कर सकते हैं, तो इसमें बड़ा कौन सा है 21.1। तो बाई मतलब कि कितना ज़्यादा उसने ट्रैवल किया है, तो हम लोग माइनस करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.9 किलोमीटर आया है। ठीक है, 21.1 माइनस 20.2 क्योंकि 21.1 बड़ा है। ठीक है, तो 0.9 किलोमीटर आया है। तो कंक्लूजन क्या है, सो अयूब ट्रैवल्ड मोर डिस्टेंस बाय 0.9 किलोमीटर। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। श्यामा बॉट 5 kg 300 ग्राम ऑफ एप्पल एंड 3 kg 250 ग्राम ऑफ एप्पल मैंगोस। सरला बॉट 4 kg 800 ग्राम ऑफ ऑरेंजेस एंड 4 kg 150 ग्राम ऑफ बनाना। सो बॉट मोर फ्रूट्स। लास्ट क्वेश्चन की तरह है, हम लोग उन्होंने जितना फ्रूट, श्यामा ने 2 एप्पल और मैंगो दिए लिए, जितना क्वांटिटी लिया है उन दोनों को ऐड करेंगे हम लोग। ऐड करने के लिए पहले हम लोग ऐड करेंगे, तो केजी को केजी के साथ ऐड करेंगे, ग्राम को ग्राम के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पहले तो 5 kg 300 ग्राम को हमें केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 5.300 केजी आ जाएगा। 3 kg 250 ग्राम्स को कन्वर्ट करेंगे तो 3.250 केजी आ जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8.550 केजी ऑफ फ्रूट्स श्यामा ने बॉट किया और सरला ने 8.950 केजी बाय किया। तो इनमें से अब कौन सा बड़ा है, 8.950 ग्राम्स बड़ा है, तो सो सरला बॉट मोर फ्रूट्स। इसका कंक्लूजन क्या है, सो सरला बॉट मोर फ्रूट्स। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाउ मच लेस इज 25 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर। इसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो एज दीज आर अनलाइक डेसिमल्स वी कन्वर्ट देम इनटू लाइक डेसिमल्स। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोग पहले लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे। 25 किलोमीटर क्या हो जाएगा, 25.0 42.6 ही रहेगा, है ना।
अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 17.6 किलोमीटर आया है। तो कंक्लूजन क्या है? सो 25.0 किलोमीटर इज लेस देन 17.6 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर। ठीक है, सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप आपको ये समझ आया होगा। बाय।